जहां एक तरफ कोरोना का कहर जारी है, वहीं दूसरी तरफ लोग कालाबाजारी भी जमकर कर रहे हैं। दरअसल नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बरामदगी के मामले में दिल्ली क्राइम ब्रांच ने कोटद्वार सिडकुल स्थित नेक्टर हर्बर्स एवं ड्रग्स कंपनी में छापेमारी की, लेकिन वहां क्राइम ब्रांच को कुछ नहीं मिला। छापेमारी की भनक जैसे ही कोटद्वार पुलिस को लगी, आनंद फानन में सी और एएसपी मौके पर पहुंचे और क्राइम ब्रांच से बातचीत कर अपर पुलिस अधीक्षक मनीषा जोशी ने बताया कि आदित्य गौतम नाम के व्यक्ति को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। उसने क्राइम ब्रांच को बताया था कि उन्होंने सिडकुल में लीज पर कंपनी ले रखी थी। केवल नाम बताने को लेकर दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम यहां पर पहुंची, लेकिन यहां पर किसी भी तरह की कोई बरामदगी या फिर इन्वॉल्वमेंट नहीं पाया गया, जबकि रुड़की से क्राइम ब्रांच ने रेमडेसिविर इंजेक्शन बरामद किए हैं। कल है दिल्ली क्राइम ब्रांच का, जिन्होंने चाणक्यपुरी वहाँ बत्रा हॉस्पिटल के पास 96 इंजेक्शंस बरामद किए थे जो कि नकली पाए थे। उसके सिलसिले में वो अपना जो है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हरिद्वार रुड़की वगैरह आए थे, तो हरिद्वार और रुड़की वहाँ पे उन्होंने दो अरेस्टिंग भी करी है, जिसमें उनको काफ़ी सारे जो खाली एम्प्टी शेल्स हैं 3000 करीब वो भी मिले, सब चीज़ें मिली। उसमें वहाँ पे जो एक बंदा था आदित्य गौतम, उनके नाम ने उन्होंने बताया कि यहाँ पे उन्होंने लीज में ये कंपनी ले रखी थी, तो सिर्फ नाम बताने की वजह से वो यहाँ पर एक उस तरह पर आए थे कि यहाँ पे कुछ हो रहा है कि नहीं, जो कि यहाँ पे किसी भी तरह की कोई बरामद की नहीं पाई गई, ना ही किसी तरह का अभी तक का कोई इन्वॉल्वमेंट पाया गया है। मैम, क्राइम ब्रांच की टीम यहाँ पे पहुँच जाती है, लेकिन लोकल पुलिस को भनक तक नहीं मिलती है। परसों का मामला है, आज कोटद्वार पुलिस नहीं, वो आज भी आई है टीम। आज हमें पूरा हमारी पूरी बात हुई थी, क्योंकि यहाँ का इन्वॉल्वमेंट डायरेक्ट नहीं था, वो इनडायरेक्टली किसी का किसी ने नाम ले लिया था, तो एक जस्ट वो एक कर्सरी लुक पे देखने के लिए परसों आए थे, लेकिन आज वो लोग प्रॉपरली आज जो बयान वगैरह लिखने के लिए आए, तो उन्होंने हमें कोऑर्डिनेट भी किया था, कोऑपरेशन भी किया था। हम लोग यहाँ पहुँचे हैं, मैं खुद यहाँ पे हूँ, तो ऐसा नहीं है, हम लोग को सारी चीज़ें पता रहती हैं। मैम, जो आदित्य गौतम की आप बात कर रही हैं, तो लीज पे उन्होंने कंपनी थी, क्या यहाँ पे लेवलिंग होती थी या किस तरीके से यहाँ पे काम होता वो था? बंदा नहीं, यहाँ पे तो वो मार्केटिंग के लिए उसने वो कंपनी ली थी लीज पे, जो कि यहाँ किसी भी तरह का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जो लेवलिंग प्रिंटिंग है वो भी रुड़की में ही है, प्लस वो अपनी गाड़ी में इस तरह से अलग अलग तरह से जो उसने बयानों में दिया है वो करता था। यहाँ कोटद्वार में किसी भी प्रकार का कोई इन्वॉल्वमेंट अभी तक सामने नहीं आया है। मैम, जो दिल्ली के अधिकारी है वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि कोटद्वार में हम लोगों ने अभी पकड़े हैं, वहाँ पर इस तरीके की नहीं नहीं मेरे साथ खुद अभी क्राइम ब्रांच की टीम है यहाँ पे मौजूद है अंदर, हम लोग की बात में पूरा उनसे ही डिटेल लेने के बाद आपसे बात करी, जितने भी बयानबाजी आई जितना भी चीज़ें, यहाँ अभी तक कोई ना हमारी बरामदगी किसी तरह की हुई है और ना ही किसी तरह का इन्वॉल्वमेंट, लेबलिंग वगैरह यहाँ कुछ भी नहीं हुआ है। फिलहाल आदित्य गौतम है क्या हिरासत में है? हाँ जी, दो जने हिरासत में है, आदित्य गौतम है और अपना वतन कुमार सैनी, ये दो जने हिरासत में, एक हरिद्वार से है और एक रुड़की। वहीं देहरादून में तैनात ड्रग्स विभाग के अधिकारी जो रेमडेसिविर की व्यवस्था राज्य के लिए कर रहे हैं, वहीं जिलों में तैनात ड्रग इंस्पेक्टर ऐसे गंभीर समय में भी अपनी जिम्मेदारियों की खानापूर्ति करते दिख रहे हैं। उत्तराखंड में दिल्ली क्राइम ब्रांच ने तीन शहरों में हरिद्वार, रुड़की और कोटद्वार में बड़ी छापेमारी की, जिसमें रुड़की में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। जहां पूरे देश में इस इंजेक्शन की किल्लत देखने को मिल रही है, वहीं इस इंजेक्शन की कालाबाजारी भी जमकर हो रही थी। बड़ी बात तो ये है कि उत्तराखंड पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना भी नहीं मिल पाई। सूत्रों के मुताबिक मुखबिर ने दिल्ली क्राइम ब्रांच को सूचना देकर छापेमारी कराई थी। छापेमारी के बाद पुलिस ने गैंग के 5 सदस्यों को भी गिरफ्तार किया। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के लिए भगवान सिंह की रिपोर्ट।